और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत सारी विशेष भेजी मेरे लिए, मुझे काफी अच्छा लगा सारी कमेंट पढ़ के। डॉक्टर चेक कर रहे हैं अभी, उन्होंने टेम्परेरी फिलिंग करी थी कुछ टाइम पहले। वैसे तो जो विजडम टूथ होता है मतलब अकल दाड़, वो बिल्कुल राहुल की खत्म हो चुकी है। शादी से पहले मेरी अकल दाड़ सही काम करती थी, जब से शादी हुई है ना अकल दाड़ की प्रॉब्लम है। नहीं, और डॉक्टर बता रहे थे कि राहुल की अकल दाड़ टेढ़ी है। श्रीवी के नए कपड़े आ गए भाई, क्या हाल चाल, अब तो पूछेगी भी नहीं किसी को, नए कपड़े आ गए तो चाचू को भी नहीं पूछेगी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। आज है संडे और आज बहुत दिनों बाद हम घर से व्लॉगिंग कर रहे हैं। और हुआ क्या, किचन में लेडीज लोग जब काम कर रहे थे तो अचानक चिमनी में एक आवाज है झूम करके, इसका मतलब मोटर जो है ना चिमनी की वो फूक गई। तो कुछ लोगों ने बोला कि मोटर रिपेयर करवा लेते, कुछ लोगों ने बोला कि चिमनी नहीं ले आते। तो जितने में मोटर रिपेयर हो रही थी उतने में हमें पता चला कि कुछ पैसे और दे के नई चिमनी आ जाएगी। तो बस अभी हम वही देखने जा रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी चिमनी बेस्ट है, आप लोगों के घर में अगर चिमनी लगी है तो आप लोग कौन सी चिमनी यूज करते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। तो गाइस, अनुज और मैं गए थे चिमनी देखने के लिए, लेकिन हमें जो है चिमनी कुछ खास पसंद आई नहीं। अभी विजय सेल्स में गए थे हम, और कुछ पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन कंपेयर करा, तो हमें ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस पर ऑफर मिल रहे हैं। तो बस अभी हमें यही डिसाइड करना है कि ऑफलाइन लें कि ऑनलाइन लें। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, मम्मी और पापा लोगों का एसी भी बहुत टाइम पुराना हो गया, 10-12 साल पुराना हो गया, तो वो भी हम देखने गए थे, उसके बारे में भी थोड़ा पता करके आए हैं। और बस वही हम घर में बताएंगे और फिर देखते हैं हम क्या लेते हैं आज। अभी हो गया है लंच का टाइम, और लंच में आज भाभी ने बनाए हैं मस्त दाल मखनी। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ ग्रेट ईस्टर्न रिटेल शॉप में, और ये अभी अभी ओपन हुई है, लाइक 6 महीने हुए हैं भैया लोग बता रहे हैं। और उत्तम नगर में ये विजय सेल्स के जस्ट आगे, और काफ़ी अच्छे प्राइस पे हमें यहाँ पर एसी मिल चुका है। मैं बताता हूँ एक बार फिर से, ये सामने बिल्कुल पिलर नंबर कौन सा है, ही नहीं 661 के सामने आप देखोगे ग्रेट ईस्टर्न रिटेल करके शोरूम है। सिर्फ एसी नहीं, यहाँ पर और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एलईडी भी नज़र आ रही होगी आपको, और विंडो स्प्लिट सब टाइप के एसी है यहाँ पर। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हैं इस टाइम पर एसी खरीदने के लिए तो ज़रूर आए इस शॉप पर, काफ़ी बेस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा यहाँ से। एसी की खरीदारी के बाद अब रह गया हमारा चिमनी लेना, और चिमनी अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अभी जस्ट 6 महीने हुए शोरूम को खुले हुए, तो चिमनी हम कहीं और से देखते हैं अभी। जैसे इससे भी हम ऑफर लेके आए थे, बट मुझे यहाँ का प्राइस जैसे उससे भी ज़्यादा अच्छा, मैंने बताया तो कि कम से कम एक बार मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप आए यहाँ पर और कम से कम विजिट तो करें जरूर। अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने की आप सोच रहे हैं तो जरूर आए एक बार इस शॉप पर, आपको खुद ही कंपैरिजन करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना फर्क है प्राइस में, डिफरेंस पता चल जाएगा। तो लेते हैं अभी भैया लोगों से कौन सा एसी ले रहे हैं वो हम आपको बताएंगे जब एसी पहुंच जाएगा घर पर, ठीक है। तो अभी बने रहे हमारे साथ और व्लॉग को एंड तक देखें। तो दोस्तों, जैसा कल आपने देखा था कि हमने एसी बुक करवा लिया था, लेकिन अभी तक एसी आया नहीं है। मम्मी को हमने दिखा भी दिया कि कौन सा एसी ला रहे हैं, और यहाँ देख सकते हैं बिजनेसमैन दिव्या चाय बनाते हुए। बिजनेसमैन दिव्या MBA चाय वाली, और आपका वो बिजनेस क्या है, साड़ी वाला, जल्दी शुरू होगा, होगा वो भी शुरू होगा, वो अभी प्लानिंग में है प्रोसेस, ये चीज इतनी जल्दी डिसाइड नहीं की जाती। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत सारी विशेष भेजी मेरे लिए, मुझे काफी अच्छा लगा सारी कमेंट पढ़ के। और जब भी शुरू होगा ना आप लोगों को सबसे पहले बताया जाएगा, और थैंक यू जिस चीज से बोला कि हम आपसे जरूर लेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब तेरे को प्रॉफिट का तो आइडिया हो गया होगा, कितना प्रॉफिट हो जाएगा इतने कस्टमरों से। प्रॉफिट का नहीं, पर ये है कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है तो यूट्यूब फैमिली मिल जाएगा, मतलब फायदा हो जाएगा है। तो हम लोग आ चुके हैं आरके डेंटल क्लिनिक पे, और क्यों आए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि राहुल के काफी टाइम से टीथ में पेन हो रहा था, डॉक्टर चेक कर रहे हैं अभी, उन्होंने टेम्परेरी फिलिंग करी थी कुछ टाइम पहले, और ऐसे बोला था कि वैसे तो जो विजडम टूथ होता है मतलब अकल दाड़, वो बिल्कुल राहुल की खत्म हो चुकी है। पता नहीं दर्द होगा कि नहीं, वैसे तो भैया के हाथ से कभी दर्द हुआ नहीं मुझे। और यहाँ सुई भी आ गई है, राहुल को सुई लगेगी। डॉक्टर आप बताना चाहेंगे आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली राहुल के टीथ में? फिलिंग कर रहे हैं सिल्वर अमलगम। ओके, जो वही सस्टेन करेगी इसके दांत में, ताकि जो विजडम टूथ
तो जिसे हम अकल दाढ़ भी बोलते हैं राहुल की, वो डैमेज हो चुकी है ना ऑलमोस्ट डैमेज है, वी आर ट्राइंग टू सेव इट। शादी से पहले मेरी अकल दाढ़ सही काम करती है। शादी है ना, अकल वो इसकी प्रॉब्लम है। नहीं, और डॉक्टर बता रहे थे कि राहुल की अकल दाढ़ टेढ़ी है, बिल्कुल टेढ़ी है। तभी तभी बीवी टेढ़ी मिली है। नहीं, तभी तू टेढ़ी मिली है। लेकिन वे भी उधर टेढ़े को सीधा कर दिया। ये भी तो देख ना, तू भी तो टेढ़ा ही था। तो यही वो 10 मिनट है जिसमें राहुल बिल्कुल चुप रहने वाले हैं। राहुल बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अंकल शायद वापस आ जाएगी थोड़ी देर से, अंकल दाढ़ भरी है। तो ये मेरे पास सही मौका है सब कुछ बोलने के लिए, राहुल अभी कुछ नहीं बोल सकते। तो डॉक्टर हो गया जो आप कर रहे थे टीथ में? हाँ, इट विल टेक 10 मिनट्स में। अच्छा, 10 मिनट्स और लगेंगे। और आप बताओ, आपका ये कहाँ पे है क्लिनिक और कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको? 23 इयर्स। ओह ग्रेट। और तो इधर ही मेरे को 12 इयर्स हो गए। अच्छा, इन मोहन गार्डन। मोहन गार्डन में है ये। राहुल भी मेरे ख्याल से काफी बचपन से है ना, बचपन से ही दांत खराब है। 12 इयर्स। हाँ, तो जब से यहाँ आए हैं डॉक्टर तब से ही राहुल पेशेंट। हाँ, सब लोग और मैं भी आई थी, मैं भी आती हूँ, मतलब शादी के बाद से तो मैं भी आने लग गई हूँ। हाँ, हो गई बस पूरा दिन 24 घंटे। अच्छी लग रही है, अच्छा नहीं लग रही है, नहीं बोलेगा तो अच्छा नहीं बोलता, अच्छा लगता है। तो गाइस, यहाँ मैंने करवा दी है फिलिंग, और जो भैया है ना, मैं भैया ही बोलता हूँ डॉक्टर को, क्योंकि मैं बहुत जब छोटा सा था तब से आ रहा हूँ भैया के पास, और इन्होंने बिल्कुल गारंटी दी है कि 5-7 साल तक तो अभी फिलिंग कहीं नहीं जाएगी। और अभी चलते हैं, अभी हो गया, और इन्होंने बोला है कि बस आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। बोल सकता हूँ मैं, समझ रही है, बोल सकता हूँ मैं। नहीं बोलने के लिए मैं मना किया। नहीं, वो तेरे को बोले। दोस्तों देख सकते हो, अभी एसी वाले का कॉल आया कि हम डिलीवर करने आ रहे हैं, तो मम्मी कितनी खुश हो रही है। मम्मी मम्मी कह रही है कि वाह यार, इसी बहाने हम आज एसी में सोएंगे। अरे हम तो 2010 से एसी में सो रहे, तुम सो रहे 2021 से। हम तो 2010 से एसी में सो रहे हैं। दिव्या, हमने क्या सोचा? नहीं, ये गरीबों को भी एसी की हवा पता चल... पहले से ही है भाई। उनका पहले से ही है। हमारा तो वो वाला है जो खराब हो जाता है। खराब होने वाला है वो समय के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो पापा मम्मी का एसी है वो 12 साल चल चुका है, इतना बढ़िया एसी निकला वो, है ना दिव्या? और अभी भी कूलिंग उसकी बढ़िया है, लेकिन हम इसलिए चेंज, थोड़ा सा बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है ना बाहर की बॉडी में, और अच्छा भी नहीं दिखता है फिर रूम में, पुराना हो गया काफी। पर कहीं ये अप्रैल फूल तो नहीं है? कहीं हम इन्हें बोल रहे हैं कि एसी आ रहा है मम्मी, कहीं आपको लग रहा है कि एसी आ रहा है और हमने अप्रैल फूल बना दिया आपका? अप्रैल फूल तो हल्के बंदे बनते, हम तो पहले ही भारी है, फुल्ली है तो फूल को क्या अप्रैल फूल। फूल फूलो दो, फूलो दो मम्मी, कह रही मैं पहले ही फूल हूँ। और ये देखो, ये है सबसे बड़ी फूल। हाँ भाई, इसके दांत आ रहे हैं ना, तब चढ़मड़ाट हो रही है। दांत नहीं आ रहे अभी, उसके गम्स में खुजली हो रही है, पर इतनी आलसी है खुद नहीं पकड़ती, कहती खिलाओ मुझे ऐसे। ये देखो, अभी मैं इसको देखो पकड़ाऊंगी ना, पकड़ो शेवी, देखो ये पकड़ेगी और इसे मुंह में नहीं घुसेगा तो ये रोएगी, पकड़ो पकड़ो। बेइज्जती करवा देती है जैसी कैमरा ऑन होता है। अब देखो देखो, हाँ अभी घुसाने की कोशिश कर रही है, पर अभी ये नहीं घुसा पाएगी, अभी आओ, अभी तो घुसा लिया इसने, वैसे नहीं ग्रिप नहीं कर पाती, ये तेरी बेइज्जती करवाएगी। ये फेंक देगी इसको, इसी बहाने इसने पकड़ तो लिया। हाँ। कैमरे के आगे देख, एक्टिंग पूरी कर रही है ये है? इसको भी पता है कैसी एक्टिंग करनी है, पकड़ना है पूरी। देखो पकड़ लिया, अभी तक पकड़ती नहीं थी, हम डाल रहे थे इसकी। वाह, कैमरा देख के पलट गई तू एकदम, एक सेकंड में पलट गई। हंस के दिखा दो, चलो स्माइल प्लीज, कैच स्माइल करता है प्यारे जो बच्चा, कैच स्माइल करता है भाई, तो जो स्माइल का। अच्छा, इसको फ्लाइंग किस भी आती है, जैसे मैं आवाज निकालूंगी ना ये भी करेगी। ले, रुला दिया तूने, हट, डरावनी शक्ल दूर कर। डरा मत उसको। तो गाइस, थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि ये सच में अप्रैल फूल है कि आ रहा है एसी। और अनुज और भाभी अभी मार्केट गए हैं, वो भी पहुंच जाएंगे शायद, वही तो नहीं है कहीं डिलीवरी वाले,
कहीं वही लेके आ रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं पता, अभी सब कंफ्यूजन में है। तो आज अप्रैल फूल है, आप लोग बताओ कि आपने क्या क्या अप्रैल फूल बनाया, मतलब आप लोगों ने घर में अप्रैल फूल जैसा कुछ करा क्या, अपने घर वालों को कुछ बनाया बेवकूफ, अगर बनाया तो कमेंट करके हमें बताएं। और यहाँ आ चुका है एसी, इधर सीधा करो, ब्रांड है गोदरेज, ये देखिए। और ये भैया लोग आए हैं एसी छोड़ाने के लिए, इसको अभी हम नीचे रखवा देते हैं, जब इंस्टॉलेशन वाले आएंगे तब हम उनसे लगवाएंगे ऊपर। सो गाइस फाइनली आ चुका है हमारा एसी और अभी हमने नीचे रखवाया क्योंकि इंस्टॉलेशन कल होगी, तो कल इंस्टॉल जब करने आएंगे तभी हम ऊपर लाएंगे। अभी ये पुराना एसी लेके जाएंगे और ये देख सकते हैं यहाँ अनुज और भाभी आ चुके हैं और आज हुई है श्रीवी की शॉपिंग, तो ये लेके आए इसके लिए फ्रॉक। और ये क्या है, ये भी फ्रॉक है, वाओ वाओ, ये देखो ये कितना प्यारा है श्रीवू, देख वाओ श्रीवू वाओ वाओ। और ये देखो ये भी फ्रॉक है श्रीवी के लिए, तो श्रीवी का बहुत ही जल्द अन्नप्राशन होने वाला है और आप लोगों को पता होगा श्रीवी के नए कपड़े आ गए। हाँ भाई क्या हाल चाल, अब तो पूछेगी भी नहीं किसी को, नए कपड़े आ गए तो चाचू को भी नहीं पूछेगी। तो ये देखिए आज हुई श्रीवी की शॉपिंग, वाह आज तो घर में बड़ी सारी चीजें आ रही है श्रीवी, एसी भी आ गया, तेरे कपड़े भी आ गए, अरे वाह। सो गाइस आज आपने देखा श्रीवी की भी शॉपिंग हो गई, हमारे घर में एसी भी आ गया और हम भी आ चुके हैं ऊपर खाना वाना खा के। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, कल और आज का व्लॉग, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।